दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सामने आज छात्र नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं से संबंधित समस्याओं को लेकर विश्वविद्यालय गेट के सामने एकत्र हुए और प्रशासन से सिंगल विंडो की मांग करते हुए धरना दिया। छात्र नेता विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन से संबंधित कार्यों, अंक पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, डिग्री एवं अन्य मदों से संबंधित कार्यों को लेकर सिंगल विंडो सिस्टम की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर छात्र नेता ने बताया कि छात्र छात्राओं को एक जगह से दूसरी जगह चक्कर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से छात्र छात्राओं के पठन के बहुमूल्य समय नष्ट होता है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्र नेता अनिल दुबे ने बताया। परेशान करना बंद करो। आज गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र जो दर बदर भटकते रहते हैं, अपना एक भी कोई काम करवाने आए, अगर यहाँ पे प्रोविजनल बनवाने आए, माइग्रेशन बनवाने आए, डिग्री निकलवाने आए, अगर कोई भी एक कार्य लेकर के विद्यार्थी यहाँ पर आ जाता है तो एक जगह से उसका काम नहीं हो पाता है। उसको कभी यहाँ भटकना पड़ता है, कभी कहीं और जा करके 100 रुपये की 500 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ती है, तो कभी जा करके विभागों में मोहर लगवाना पड़ता है। इन सारी समस्याओं से छूट हो जाए, विद्यार्थी एक जगह पर जाए, एक खिड़की पर जाए इसीलिए, और वहाँ से उसके सारे समस्याओं का निदान कर दिया जाए, उसका काम एक खिड़की पर जाकर के हो जाए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय एकल खिड़की प्रणाली वन विंडो सिस्टम के द्वारा छात्रों का सहयोग करने का काम करे, छात्रों का काम एक खिड़की पर करने का काम करे, उसकी मांग को लेकर के आज हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय में आए हैं।